साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कितनी गंदगी भरी है, कौन किसके पीछे किसका गेम लगा दे, किसके खिलाफ साजिश कर दे, कोई नहीं जानता। पीठ पीछे यहाँ बहुत कुछ होता है। हालांकि लंबे समय से बॉलीवुड में रह रहे लोग जानते हैं कि यहाँ डील कैसे किया जाता है, लेकिन खुलकर कभी कोई कुछ नहीं बोलता। मगर इस बार इमरान हाशमी खुलकर बोले, और यही नहीं, इमरान ने अपनी फिल्म चेहरे की तारीफ जरूर की मगर इसी फिल्म में उनके साथ काम करने वाली रिया चक्रवर्ती की रिया की एक्टिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और रिया को लेकर, सुशांत को लेकर और फिल्म चेहरे को लेकर इमरान हाशमी ने खुलकर बात की। यहां तक कह दिया कि रिया जैसों के साथ वो फिर से दोबारा कभी भी काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको बताते हैं क्या हुआ, ऐसा क्या क्या कहा इमरान ने, कैसे रिया की धज्जियां उड़ाई, आपको बताते हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इमरान हाशमी फिल्म इंडस्ट्री में भट्ट कैम के जरिए पहुंचे और लंबे समय तक सिर्फ भट्ट कैम की फिल्में करते रहे। हालांकि बाद में इमरान हाशमी ने बाहर के बैनर्स की भी फिल्में की और उनकी फिल्में ठीक ठाक कारोबार करती रही हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद तो अधिकांश लोगों ने सुशांत पर चुप्पी ओढ़ ली थी, लेकिन तब भी सुशांत पर बोलने वालों में इमरान हाशमी का नाम था। इमरान ने न सिर्फ सुशांत को बेहतरीन इंसान करार दिया था, साथ ही साथ एक शानदार एक्टर भी बताया था। लेकिन इसके बाद चेहरे फिल्म में इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए, क्योंकि ये फिल्म रूमी जाफरी की थी जो कि रिया के पक्के दोस्त हैं। और सभी को लगा था कि इमरान हाशमी दोगले इंसान है, क्योंकि एक तरफ तो सुशांत की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के साथ काम करते हैं। हालांकि तब कभी भी इमरान हाशमी ने इसे लेकर या फिर रिया को लेकर कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, मगर इस बार बोला है और बहुत कुछ बोला है। जी हाँ, असल में इंग्लैंड की एक एंटरटेनमेंट फर्म अल्फा वन मीडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट में चेहरे फिल्म को पिछले साल दुनिया की टॉप 10 फिल्मों में शुमार किया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि चेहरे फिल्म को दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों में 8वां नंबर दिया गया है। और यही नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म डोंट लुक अप भी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। यानी कि इमरान की फिल्म के लिए चेहरे की फिल्म की यूनिट के लिए बहुत बड़ी सफलता दी और इसी पर इमरान हाशमी से बात की गई। अब पहले तो इमरान हाशमी ने फिल्म की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन था कि चेहरे में वो दमखम था जो कि इंटरनेशनली फिल्म को तारीफ दिलवा सकता है, और यही हुआ भी। इसके बाद इमरान हाशमी से पूछा गया कि क्या आप इसका सीक्वल करना चाहेंगे, तो इमरान ने बेबाक अंदाज में कहा कि वो सिर्फ सीक्वल है इसलिए फिल्म को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर रूमी जाफरी दिल से कुछ नया और अलग लिखते हैं, कुछ नया बेहतरीन बनाते हैं, तो फिर तो वो फिल्म कर सकते हैं, सीक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होगी। अब इमरान हाशमी ने यहाँ पर बड़ी शर्त रख दी और वो भी सबके सामने बोल दी, और वो शर्त थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। जी हाँ, इमरान हाशमी ने साफ साफ कहा कि अगर अगली फिल्म यानी कि चेहरे की सीक्वल बनती है तो फिर रूमी जाफरी को कास्ट में कुछ बदलाव करना होगा और कुछ और बेहतर चेहरे इस फिल्म के सीक्वल में लाने होंगे ताकि फिल्म को और ज्यादा वेटेज मिल सके, फिल्म और ज्यादा बेहतर बन सके। अब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनु कपूर जैसे दिग्गज थे तो उनसे बेहतर तो शायद कुछ हो नहीं सकता, लिहाजा नाम और इशारा उनकी तरफ नहीं था बल्कि नाम और इशारा साफ साफ रिया चक्रवर्ती की तरफ था। इमरान हाशमी चाहते हैं कि अगर चेहरे फिल्म का सीक्वल बने तो उसमें रिया चक्रवर्ती ना हो, रिया को फिल्म से बाहर किया जाए, तभी वो फिल्म करेंगे। और इसकी वजह फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताई है। चेहरे फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इमरान हाशमी फिल्म में रिया की एक्टिंग से बेहद नाराज या फिर परेशान थे। सूत्रों के मुताबिक इमरान बार बार रूमी जाफरी से कहते थे कि इस लड़की की वजह से फिल्म कमजोर हो जाएगी, इसे रिप्लेस करो, लेकिन रूमी जाफरी तो रिया की दोस्ती में पागल थे और इसीलिए रिया के साथ ही फिल्म को कम्प्लीट करना चाहते थे। हालांकि बाद में सुशांत केस के बाद रिया का रोल काट कर काफी छोटा कर दिया गया था, मगर तब भी इमरान हाशमी खुश नहीं थे क्योंकि रिया का काम फिल्म में बेहद ही खराब था, बेहूद काम था। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती एक एक सीन को करने में 16 से 20 रिटेक लेती थी। जी हाँ, 16 से 20 रिटेक एक सीन एक शॉट को करने में रिया चक्रवर्ती लेती थी, और इस दौरान इमरान हाशमी को पूरी तरह से इंतजार करना पड़ता था।
जिस शॉट को, जिस सीन को एक दिन में या फिर आधे दिन में फिल्माया जाना था उसमें कई बार हफ्ते हफ्ते भी लगे, और इसकी वजह रिया चक्रवर्ती थी और इमरान हाशमी इससे बेहद परेशान रहते थे। और यही बात अब इमरान ने सबके सामने कह दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिया की वजह से फिल्म में देरी। और यही हुआ भी, जो शूटिंग 3 महीने में पूरी होनी थी उस शूटिंग को पूरा होने में 8 महीने लग गए थे और चेहरे फिल्म को बहुत ज्यादा डिले होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की घटिया एक्टिंग की बदौलत। अब मीडिया के सामने इमरान ने साफ साफ कहा कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि एक शॉट को 20 बार रिटेक किया जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिल्म नहीं करेंगे। यानी कि साफ था कि इमरान हाशमी रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म नहीं करना चाहते हैं, और चेहरे के सीक्वल में तभी काम करेंगे जब रिया चक्रवर्ती उस फिल्म में नहीं होंगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले इमरान हाशमी ने खुलकर सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट किया था, सुशांत को शानदार एक्टर कहा था, और अब वहीं पर रिया चक्रवर्ती की घटिया एक्टिंग की पोल सबके सामने खोल दी और साथ ही साथ कह दिया कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म में दोबारा कभी काम नहीं करना चाहते हैं। अब ना तो खुद उसके साथ काम करना चाहते हैं और ना ही अपने किसी करीबी को रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने देंगे। जिसने भी इमरान का इंटरव्यू देखा होगा वो शायद ही 20 टेक वाली रिया को अपनी फिल्म में ले पाए। तो साफ है कि इमरान हाशमी खुलकर अब रिया चक्रवर्ती के विरोध में खड़े हो गए हैं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सुशांत का सपोर्ट तो वो पहले से ही करते रहे हैं, और इस बार रिया चक्रवर्ती की घटिया एक्टिंग की पोल भी सबके सामने खोल दी। और एक तरह से बॉलीवुड में ऐसी खबरें, ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं, और रिया चक्रवर्ती को अब बॉलीवुड में काम मिलना तो बहुत दूर की बात है। टॉलीवुड, कॉलीवुड या फिर किसी भी और वुड में, साउथ इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पाएगा, ये पूरी तरह से गारंटी है। तो आपका क्या मानना है, क्या पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के करियर पर ग्रहण लग गया है और इमरान ने उसमें जो आखिरी कील ठोक दी है उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट लोगों में गिनी जाती है, और मलाइका हर रोज कभी जिम, कभी जुम्बा, कभी योग क्लास के लिए जाती हुई स्पॉट हो जाती है। अब मलाइका अरोड़ा को देखकर यही कहा जाता है कि फिटनेस हो तो ऐसी, हेल्थ हो तो ऐसी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा इतनी फिट होने के बाद भी अचानक कोलैप्स हो गई, और ये सब कुछ हुआ इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर, जिसमें मलाइका अरोड़ा जज के तौर पर काम कर रही थी। असल में कुछ दिन पहले मलाइका अरोड़ा कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद मलाइका घर पर ही क्वारंटीन थी, और कुछ दिन बाद जब ठीक हुई तो शो में वापस पहुंची। अब यहाँ शो के फिनाले एपिसोड की शूटिंग होनी थी और इसी वीक फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट भी होना है। अब इसके लिए खास तैयारियां थी, करीब 4 दिन का शूट होना था। अब पहले 2 दिन के शूट में तो मलाइका अरोड़ा मौजूद थी, लेकिन दूसरे दिन के शूट के दौरान ही अचानक मलाइका अरोड़ा की हालत खराब हो गई। पहले मलाइका अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर मौजूद रही सेट पर, मजबूरी के चलते अपना काम करती रही, क्योंकि ये वर्क कमिटमेंट था और मलाइका अरोड़ा को वहां पर सेट पर होना जरूरी था क्योंकि ये फिनाले एपिसोड था। लेकिन अचानक मलाइका अरोड़ा वहीं पर गिर पड़ी। जी हाँ, सेट पर ही मलाइका गिर पड़ी, हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई, वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और मलाइका अरोड़ा क्यों अचानक से जमीन पर गिर गई, ये कैसे हो गया, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर से इतनी फिट दिखने वाली मलाइका अरोड़ा की हालत ऐसी होगी कि वो गिर ही पड़ेंगी। लेकिन यही सब कुछ हुआ शो के सेट पर। मलाइका के गिरते ही वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया, तुरंत ही मलाइका अरोड़ा को अस्पताल पहुंचाया गया। अब अस्पताल में क्या हुआ वो भी देखिए। अस्पताल जाकर डॉक्टर्स ने जो देखा और फिर जो बताया वो हैरान करने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया कि मलाइका अरोड़ा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और कोविड ने उनके लंग्स तक को इन्फेक्ट कर दिया है। जी हाँ, जो मलाइका अरोड़ा पिछले दिनों नेगेटिव आ गई थी उनकी हालत खराब हो गई थी, या कहें कि ज्यादा बिगड़ गई थी। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुरंत ही दवाइयों के साथ इलाज शुरू किया गया। हालांकि कुछ घंटे वहां अस्पताल में रखने के बाद मलाइका अरोड़ा को वापस से घर भेज दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला था और घर पर ही पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ मलाइका का इलाज शुरू किया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।